हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग और वो भी स्पील आर्ट को यूज़ करके। तो इसके लिए मुझे इसे कलर करना नहीं है, इसके ऊपर पेंट फेंकना था। तो पेंट फेंकने के बाद मैंने उसको स्प्रेड किया और थोड़ी देर को सूखने के लिए रख दिया था। जैसे ये सूखता है फिर मैं उसके ऊपर कलर करने लग गई थी। कलर का एक कोट किया, दूसरा कोट किया, तीसरा कोट किया और उसके बाद ये कुछ ऐसा जैसा दिख रहा था। अब मुझे था कि मुझे इनके फेस को ना लाइट ब्लू दिखाना था, पर ये क्या, मैंने तो पिंक कलर स्पिल किया हुआ है तो अब उसके ऊपर कैसे लाइट ब्लू कैसे दिखेगा। तो मैं कोशिश तो किए जा रही थी लेकिन ये ख़राब ही होता जा रहा था। तो अब देखते जाओ कि मैं इसको कैसे सही करती हूँ। तो अब मैं धीरे धीरे ब्रश से स्प्रेड तो कर रही थी लेकिन जहाँ भी मैं कलर फेंक रही थी ना, स्पिल कर रही थी ना हाथों से या ब्रश से, वो वहीं पे रुक रहा था और धब्बा जैसा जम रहा था। तो अब मेरे को ये बहुत टफ सा टास्क लग रहा था। मैंने चैलेंज तो ले लिया था पर अब ये था कि इसको कंप्लीट करना है, इसको बहुत अच्छा सा एक लुक देना है, फाइनल लुक। तो चलिए देखते हैं कि क्या बनता है। फिलहाल तो मैं इसको स्पिल कर रही हूँ। तो जितना मैं इसको स्पिल करती जा रही थी ना, उतने ही मुझे रिजल्ट ख़राब मिल रहे थे और मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने चैलेंज तो ले लिया है लेकिन चलो फिर भी हमें इसे कंप्लीट तो हर हाल में करना है। तो अब मैं वाइट कलर से इसमें हाईलाइटनिंग करूँगी। तो हाईलाइटनिंग के लिए हम नोज़ का एरिया, आईज़ के आसपास कुछ एरिया में हाईलाइटनिंग करते हैं और लिप्स के पास भी हाईलाइटनिंग होती है, चिन के पास थोड़ी सी हाईलाइटनिंग होती है। तो जब भी आप हाईलाइटनिंग करते हैं ना, अगर आप बिगिनर्स हो और तो आपको एक चीज़ मैं समझा देती हूँ कि हाईलाइटनिंग के लिए हमेशा स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ तरीके से ब्रश को यूज़ करना चाहिए, हल्के हाथों से और स्मूथ जैसा, ताकि वो इफ़ेक्टिव सा दिखे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल हैवी हाथों से जब हाईलाइटनिंग करते हैं ना तो वो उतना इफ़ेक्टिवली नहीं दिख पाता है, तो इसलिए हल्का हल्का सा हाईलाइट करें। तो लिप्स के लिए आप डार्क पिंक या फिर रेड कलर यूज़ कर सकते हो और नीचे वाले लिप्स पे आप थोड़ा सा वाइट कलर यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। अगर लिप्स पे कलर करते वक्त कलर थोड़ा सा अंदर बाहर स्प्रेड हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हो ऊपर से उसको ढकने के लिए। अब आईज़ पे हमने हाईलाइटनिंग तो कर ली है लेकिन पूरा वाइट तो नहीं कर सकते हैं, तो लाइट ब्लू कलर या फिर लाइट पिंक कलर आप यूज़ कर सकते हो एज अ आई शैडो, ऐसा लगे कि वो आई शैडो है उस तरह से। तो जैसे मैंने हल्के हाथों से किया है वैसे आप भी कर सकते हो। अब मैं बना रही हूँ आईब्रोज़। तो आईब्रोज़ के लिए मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ की है, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब बाद में अगर मैं इसको ड्राइंग को कहीं रखूँगी तो फिर ये चारकोल पेंसिल स्प्रेड हो जाती है, तो उसके लिए मैंने ऊपर से ब्रश यूज़ किया और हल्का सा पानी भी यूज़ किया था। और जब मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा था तो फिर मैंने उनको ज़्यादा डार्क कर दिया था ब्रश की हेल्प से। तो आप या तो सिंपल चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो या फिर आप जो दूसरे कलर्स होते हैं ना, जैसे कि वाटर कलर, डोम्स कलर, उनमें जो ब्लैक कलर होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो आईज़ को दिखाने के लिए। तो हमारे कान्हा जी बन के रेडी हो चुके थे और उनका फाइनल लुक कुछ ऐसा जैसा दिख रहा था। तो मुझे ये पेंटिंग सच में बहुत अट्रैक्टिव लगी क्योंकि जिस तरह से ये ख़राब हुआ था मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा, लेकिन यही एक आर्टिस्ट की पहचान होती है। अभी भी इसमें कुछ कमियां होंगी लेकिन मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ डे बाई डे इम्प्रूव करने की। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और हम बहुत कुछ सीखेंगे धीरे धीरे करके इस